आरएसएस करा रही है, आरएसएस की बी टीम समाजवादी करा रही है और कांग्रेस करा रही है। शेर अकेला घूमता है, शेर सुरक्षा नहीं लेता किसी, शेर हमेशा अकेला घूमता है। इंशाल्लाह ये कुंदर की विधानसभा है ना, ये हिस्ट्री लिखने जा रही है, यहाँ से पतंग जीतने जा रही है। पतंग की डोर ना टूट जाए, पतंग की डोर जब सीने पे गोली खाली तो डोर ना टूटी, तो अल्लाह के रहम करम से ये टोपी की लाज है। यूपी का चुनावी माहौल जानने के लिए हम लगातार यूपी के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा में। आज फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब कुंदर की विधानसभा में आए और यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित किया। आज हमारे साथ IMIM की महिला प्रदेश अध्यक्ष साहिबा हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर आज ओवैसी साहब यूपी में क्या कह के गए, क्योंकि कहा जाता है कि लोग उनको सुनने आते हैं, लोग उनके भाषणों को सुनने आते हैं, उसको देखने आते हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि वो यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को ख़राब करने का काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, वो पब्लिक को, हमारे जो यूथ हैं इनको बेदार करने का काम कर रहे हैं, इनको जगा रहे हैं, इनको बता रहे हैं कि अब तुम दरी मत बिछाओ, अपने हक की बात करो, अपने मुस्तकबिल की सोचो और अपने बच्चों के मुस्तकबिल की सोचो। और जो ये है ना कि वोट नहीं देती है, इंशाल्लाह ये कुंदर की विधानसभा है ना, ये हिस्ट्री लिखने जा रही है, यहाँ से पतंग जीतने जा रही है। अच्छा, ओवैसी साहब के बारे में कहा जाता है कि उनको तेलंगाना में, हैदराबाद में वो पूरी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन यूपी से वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर देते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ भी उन्होंने चुनाव लड़ा और ऐसा कोई पर्टिकुलर ये तो है नहीं। काशीराम साहब तो काशीराम जो थे वो पंजाब के थे, पता है उनके बारे में, उन्होंने क्यों यूपी आके चुनाव लड़ा? ऐसा थोड़ी है, जहाँ अपने लोगों को तकलीफ में देखेगा आदमी वहाँ पहुँचेगा, उनको बताएगा कि तुम्हें कैसे तकलीफ से निकलना है। अच्छा, ओवैसी साहब से सपा गठबंधन नहीं करते, इसकी क्या वजह मानते हैं? क्योंकि वो ये नहीं, उनको लगता है कि मुसलमान हमारा बंधुआ मजदूर रहेगा, अगर हमारे साथ वही सब आ जाएंगे तो सब उनसे जुड़ जाएंगे, तो उनकी ये जो ट्रिक है कि अलग अलग रहे, हमसे ही जुड़ा रहे मुसलमान, लेकिन मुसलमान उनको इस बार बता देगा कि वो उनका दरी बिछाने वाला गुलाम नहीं है, वो अपनी खुद की सियासी पार्टी बना चुका है और अब वो उसी में रहेगा। अच्छा, जो कर्नाटक में जो हिजाब को लेकर के जो कंट्रोवर्सी हुई है, किससे जोड़ करके देखते हैं, क्या मानते हैं आप, क्या चीज़ें हैं ये सब चीज़ें हो रही? देखिए, आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा है, मीडिया इतना ज़्यादा है कि कहीं भी कुछ होता है दूसरी जगह पहुँच जाता है, तो ये यूपी के इलेक्शन को और उत्तराखंड और जहाँ भी इलेक्शन हो रहे हैं खास तौर से यूपी को रख के ये सब चीज़ें करी जा रही हैं, वोट्स को पोलराइज करने के लिए और इस्लामोफोबिया फैलाने के लिए, ये सब चुनाव के हिसाब से ही हो रहा है। कौन करा रहा है? अब जिसको फायदा होगा वही कराएगा, थोड़ा खुल के बताइए ना। बीजेपी करा रही है और कौन कराएगा? भरोसेमंद मलखान दवाखाना, हर बीमारी के इलाज के लिए संपर्क करें मलखान दवाखाना हकीम अनीस। जैसे कैंसर, एड्स, शुगर, नामर्दी, लाल पानी, सफ़ेद पानी, धात, दमा, पथरी, एलर्जी, जोड़ों का दर्द, गठिया बाएं, सेहत बनाने के लिए दाद, गैस, तेजाब, औलाद का न होना भी इलाज किया जाता। आरएसएस करा रही है, आरएसएस की बी टीम समाजवादी करा रही है और कांग्रेस करा रही है, तो क्या होना चाहिए इस पूरे मामले में? इस पूरे मामले में कुछ क्या होने का क्या मतलब है? ये जो देश है ये हमारा लोकतांत्रिक देश है और ये कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, ठीक है, तो हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम जैसे भी रहे, तो ये बात सिर्फ हमारी नहीं है, आज ये बोल रहे हैं हिजाब के लिए, बुरके के लिए बोल रहे हैं, कल को ये बोलेंगे पगड़ी मत पहनो, कल को बोलेंगे तिलक मत लगाओ, तो वो जो शेर है ना, आग लगेगी आग तो वो आग बढ़ जाएगी, इस आग को अभी रोकना पड़ेगा। अच्छा, जो टोल प्लाजा पर जो गोलीबारी हुई उसको क्या मानते, कोई सोची समझी साजिश थी या फिर किस तरीके से वो कांड हुआ? हाँ, साजिश तो थी, हमारे अध्यक्ष की जान लेने की कोशिश करी गई, लेकिन अल्लाह का जिस पर करम हो और हजारों लाखों लोगों के दुआ हो, फिर उसको क्या हो सकता है। सरकार कहती है हमने सुरक्षा प्रदान कर दी, लेकिन ओवैसी साहब सुरक्षा नहीं ले रहे, क्यों? क्यों लेंगे ओवैसी साहब सुरक्षा? उनके बोल तो गए, अभी आपने सुना होगा, जब उनके नागरिक सुरक्षित नहीं है, आप किसी को भी टेररिस्ट बना के कुछ भी करके डाल दे रहे हो जेल में, जिस दिन वो सुरक्षित होंगे उस दिन वो भी सुरक्षित हो जाएंगे। और योगी जी तो दावा कर रहे थे कि गुंडे चले गए छोड़ के यूपी, बता दो भैया ये गुंडे कैसे रह गए, कहाँ से आ गए, कैसे गोली मार दी? वो तो अल्लाह का करम था कि वो बच गए, जिसको ऊपर वाला बचाना चाहता है वो उसे बचा देता है। अगर भविष्य में 2-4-5 सीटें ओवैसी साहब की आती है तो किससे गठबंधन होगा? वो तो सामने वाला बताएगा, कौन दारुसलम जाएगा उनके आगे भीख मांगने के लिए, जो जाएगा उसी को मिल जाएगी।
अच्छा ओवैसी साहब सुरक्षा क्यों नहीं लेते, क्या वजह? बोला ना उन्होंने कि उनकी पब्लिक आजाद घूमती है और वो आजाद रहना चाहते हैं, सुरक्षा में रहेंगे तो क्या पता वो सुरक्षा आए। सुरक्षा नहीं लेता शेर, अकेला घूमता है, शेर सुरक्षा नहीं लेता किसी, शेर हमेशा अकेला घूमता है। सुरक्षा है या वो जासूसी है, क्या उनके सुरक्षित वर्दी के अंदर उनके पीछे जासूस लगाए जा रहे हैं, वो किससे मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, पूरी उनकी जासूसी भी तो हो सकती है, क्या पता क्या प्लान हो सकता है इसलिए। और वैसे भी उनको डर नहीं है किसी का, अल्लाह से डरते हैं वो खाली, जिस दिन अल्लाह कहेगा उस दिन तो फिर जाना ही पड़ेगा उनको भी, किसी को भी, हमें भी। आज भाषणों पे मुख्य तौर पर किस चीज़ पर फोकस रहा वैसे साहब का? सभी चीज़ की बात कर गए वो तो, इस विधानसभा की परेशानियों की बात कर गए, पूरे देश में माहौल चल रहा है उसके ऊपर भी बात कर गए, कोई मुद्दा तो छोड़ा भी। कितनी सीटें आने वाली है साहिबा साहब? 100 सीटें तो आ रही हैं पतंग की, उम्मीद से ज्यादा। हवा में तो बात नहीं कर नहीं, नहीं हवा में बात नहीं कर रहे हैं। आप देखिएगा 10 तारीख को जब जो आपके बड़े बड़े लोग हैं वो दारुसलाम पहुंचेंगे और हमारे अध्यक्ष आगे झुकेंगे कि हमें सपोर्ट दे दिए, उस दिन आप देखिएगा। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम है नजमा फातिमा, प्रदेश अध्यक्ष महिला ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। चलिए, नजमा फातिमा ने सभी मुद्दों पर बातचीत करने की कोशिश की, हमने से राय जानी की इनके मुद्दे क्या है और वैसे साहब क्या कह के गए, सभी बातें रखी बेबाकी से और सारी चीजें हुई। जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कहूँ ना कहूँ जी, जो आज उबे जी साहब ने जो भी कुछ कहा बहुत अच्छा कहा, ये पतंग सीना चीर के जागी, कहाँ जागी, सीना चीर के, जितने ढोलक बजानी थी बजा ली, क्या बजा ली, ढोलक डमरू बने हुए हैं के, कितने डमरू, जिस दिन हाजी डोर ना टूट जाए, डोर पतंग की डोर ना टूट जाए, पतंग की डोर जब सीने पे गोली खाली तो डोर ना टूटी, तो अल्लाह के रहम और करम से ये टोपी की लाज है, पतंग जीत के जाएगी। चलिए, पतंग जीतेगी या फिर कोई दूसरी पार्टी, इंशा अल्लाह। और एक बार देखो जितने दल्ले बैठे हैं ना, इनकी ढोलक बजानी है, ढोलक कौन दल्ले, ऐसे दल्ले कौन है, दल्ले दल्ले ना देखे, समाजवादी दल्ले, बीएसपी दल्ले, खुल के बताओ ना, खुल के बता दो, ये कल्लन देखा है तुमने, मुंजरा देखा है ऐसा रंडियों का, सबसे बड़ा भलुआ है, इसका बाप विधायक था, नहीं से नहीं चकाचक मुंजरा देखा इन्हें, देखा ना, किसकी बात कर रहे हैं आप, किसकी, कल्लन की, कौन है कल्लन, कल्लन हाँ। हम यूपी की भाषा समझते कम है, यूपी में यही तो राजनीति चल रही है, हाँ, वो राजनीति समझने आए हैं, बताइए ना, ये रिजवान साहब के लड़के हैं हाँ। और डॉक्टर बरक जो है उनका पोता जो आया है, अच्छा, उनसे पूछिए अच्छा। पोता पैदा किन्ने करा था, चलिए चलिए, हम बातचीत कर रहे थे कुंदर की विधानसभा के जनता को संबोधित किया, जो वैसे साहब ने और बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, इनकी अलग लग रही थी, बने रहे हमारे साथ।